जनता पे जो चाहते हैं किसान गरीब रह जाए। और पहले साइकिल पे दो लड़कों को बैठाना था तो वो भटक गए, फिर साइकिल के ऊपर हाथी को बैठाना तो पता नहीं कहाँ अटक गए, और अब साइकिल पे छोटे छोटे दलों को लटकाया तो लटक गए। आपके घर में यही होता है क्या, महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है क्या कि आपकी सेहत नहीं है क्या? तो हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी सपोर्टर सुभाष्टा सिंह जी और हमारे प्रिय भाई सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच हमें आज की डिबेट देखने को मिलेगी। इस डिबेट में हमें नोक झोंक, तीखी बहस, सब कुछ इस डिबेट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सुभाष्टा सिंह जी और हमारे प्रिय भाई सुधांशु त्रिवेदी जी हरे कुर्ते वाले भदौरिया जी की बैंड बजाते हुए हमें इस डिबेट में दिखाई देंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि ये डिबेट शुरू होने वाली है। देखिए अमीश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भैया। हेलो। हाँ आ रही है भाई, बोलिए। अमीश जी आज बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। सुधांशु जी ने पूरे समाज का, पूरे देश के, सुने मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या चाहते हैं पता है, कि गांव का आदमी उसके लिए हॉस्पिटल ना बने, गांव के आदमी के लिए वहां स्कूल ना बने, गांव के आदमी के लिए एयरपोर्ट ना बने, क्योंकि गांव का आदमी बैलगाड़ी में ही रह जाए, उसके हाथ टूटे फूटे रह जाए, वो ना देख पाए, अपना इलाज ना कर पाए किसी हॉस्पिटल में। गांव में हॉस्पिटल बन जाएगा तो वो फिर उसका इलाज हो जाएगा, स्कूल बन जाएगा तो पढ़ जाएगा, ये नहीं चाहते ऐसा। इन्होंने बोला कि गांव में इन्होंने बोला, अभी बोला कि गांव में आपने एयरपोर्ट बना दिया। अरे गांव में एयरपोर्ट बना दिया मतलब गांव के लोगों को आप नहीं चाहते कि वो हवाई जहाज में बैठे, गांव के लोगों को नहीं चाहते कि वो, आप तो बोलते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए, वही तो हम बैठा रहे हैं हवाई जहाज में, और आप उनको हवाई जहाज दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो टूटे फूटे हाथों में रह जाएं, वो आप चाहते हो उनका जो चाहते हैं किसान गरीब रह जाए, किसान की इनकम दुगनी ना हो, ऐसे लोग हैं जो किसान की इनकम दुगनी नहीं होने वाले पे, ये वो लोग हैं जो कबल पे दिक्कत है, दिक्कत है, किसान उन्नति कर पाए, उनके बच्चे उन्नति कर पाए। शर्म आती इस तरह की बातें करते हुए कि आपने गांव में एयरपोर्ट क्यों बना दिया, कल हॉस्पिटल क्यों बना दिया, कल पूछेंगे आपने स्कूल क्यों बना दिया। अनुराग भदौरिया आवाज सुनाई नहीं पड़ती जनाब, न मैंने कहीं विद्यालय बोला ना अस्पताल बोला, सुनाई नहीं पड़ता लगता आपको। एयरपोर्ट बनाते तो कोई आपत्ति नहीं थी, मैंने वर्ड बोला एयर स्ट्रिप, किसने बोला ये, मैंने बोला एयर स्ट्रिप की बात करें, एयर स्ट्रिप किसकी, नहीं चाहते गांव में हवाई पट्टी बनाने कर सके, आप नहीं चाहते गांव में प्राइवेट से कौन जाता है, मैंने हॉस्पिटल बने, आप नहीं चाहते लोग शांत हो जाइए, ये के तरीके से आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, नहीं बनाया जिस पे आम आदमी का अंदर को ऑडिट हो गया, सिर्फ क्यों बनाई जिस पे सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सके, वो चार्टर्ड प्लेन देखिए क्या तरीका है बहस करने का भाई, बदतमीजी करने लगते हैं हमेशा, सुनते हैं नहीं फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब तो हमने टर्न पे बोलिए भाई, जाके रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने एयर स्ट्रिप बोला, एयरपोर्ट बनवाते तो कोई आपत्ति नहीं थी, एयरपोर्ट हमने 8 बनवाए उत्तर प्रदेश में आम आदमी चल सके, एयर स्ट्रिप पता हवाई पट्टी जिसपे सबसे बड़ा जेट विमान भी उतर सके, यह प्राइवेट जेट विमान के लिए है। अरे कौन काम का व्यक्ति छोड़िए, भारत के अमीर से अमीर लोग आसानी से जेट विमान पर्सनल लेके नहीं चल सकते, एक घंटे किराया लाखों रुपए होता है, और साइकिल की सवारी की बात करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आज आप देख लीजिए इनके नेता जिस साइकिल पे चलते हैं वो सामान्य वाली साइकिल नहीं है, गरीब की 6-7 हजार रुपए वाली, वो स्पोर्ट्स साइकिल है 30-40-45 हजार रुपए वाली, वो लोहिया जी की साइकिल नहीं है, जनेश्वर मिश्रा जी की साइकिल नहीं है, मुलायम सिंह जी की साइकिल नहीं, वो बबुआ की साइकिल है। और पहले साइकिल पे दो लड़कों को बैठाना था तो वो भटक गए, फिर साइकिल के ऊपर हाथी को बैठाना तो पता नहीं कहां अटक गए, और अब साइकिल पे छोटे छोटे दलों को लटकाया तो लटक गए, और ऐसा लगता है कि आज एयरपोर्ट में फर्क होता है, तो आप एयरपोर्ट पे गांव वालों को जहाज दिखाना चाहते हैं, अब अपनी बात पे उलझ गए, आप अपनी बात पे उलझ गए, आप एयरपोर्ट में गांव वालों को जहाज दिखाना चाहते हैं, क्या गुनाह है, बीजेपी कहती है कि हम एयरपोर्ट बना के गांव वालों को बिठाना चाहते हैं, फंस गए गांव में, हमने हॉस्पिटल बना दिया तो गुनाह कर दिया, हॉस्पिटल की बात ही नहीं हुई है, बना दिया तो गुनाह कर दिया, वहां पे लोगों का इलाज हो रहा है, उनके परिवारों का इलाज हो रहा है, गांव में हमने वहां पे मेडिकल कॉलेज बना के गुनाह कर दिया, वहां हमने स्कूल बना के गुनाह कर दिया, स्टेडियम बना के गुनाह कर दिया, वहां पे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बना के गुनाह कर दिया, अनुराग कंफ्यूज आ गए हैं, आप कंफ्यूज आ गए हैं, हॉस्पिटल की बात ही नहीं करी, आप करें हॉस्पिटल की बात, उन्होंने बात करी एयर स्ट्रिप की, आप ना हॉस्पिटल की बात आई, ना स्कूल की बात आई, ना एयरपोर्ट की बात आई, मतलब गांव में एयर स्ट्रिप की बात आई,
अच्छा एक सेकंड अनुज, अनुज एयरपोर्ट नहीं भाई, एयर स्ट्रिप जिसमें प्राइवेट अनुज अत्रे माफी चाह। देखिए मुझे लगता है सुभ्राष्टा जी को साइकिल की सवारी करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहां वो हाथ में और ये वो गरीबों के हाथ से भी उन्हें लगता है नफरत हो गई है, तो कपड़ों से भी पहचानते हैं कि वो किसान, कपड़ों से ही पहचान लेते हैं लोग, फटे नुचे कपड़े होते हैं तो कहते हैं ये किसान है। ये वो लोग हैं जो गरीबों का अपमान करते हैं, ये साइकिल पे चलने वाले लोग नहीं है। सुभ्राष्टा जी कहें साइकिल पे चलती हैं, बोले ऑन कैमरा बोले कि साइकिल चलाती है क्या हेल्थ के लिए, कह रहे हाँ चलाते हैं, अच्छी बात है चलाना चाहिए। नहीं नहीं आमिर जी, मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगी, मुझे इससे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा कंट्रोल करके दो तीन बातें कह रही हूँ। ये जो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मैंने देखा है कि आप साइकिल की सवारी क्यों नहीं करती, पहली बार अनुराग जी ने नहीं बोला भाई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर अगर कर रहे हैं तो ढंग से ऑफर कीजिए, ये नेशनल टेलीविजन पे पर्सनल सवाल पूछ करके क्यों करते हैं। मैं साइकिल से चलूं कि मैं मर्सिडीज से चलूं, मैं किस इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को बिलोंग करती हूं, मैं लेफ्ट इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को नहीं बिलोंग करती हूं, पूरी तरह राइटिस्ट हूं, मैं क्यों साइकिल की सवारी करूंगी। मैंने तो कह रही हूं 10 साल 15 साल मोदी जी को मौका देकर के तो देखिए, और जितने आप लोगों की जो के जो सपने हैं कि किसान के हाथ सही में मैनिक्योर्ड हाथ हों वो हो जाएंगे, पर अभी नहीं है, इसीलिए अभी जनता में भ्रम फैलाना बंद कीजिए। आप अगर सुभ्राष्टा जी साइकिल पे नहीं चली है तो मैं मान सकता हूँ कि आप गरीब का दर्द नहीं पहचान पाएंगी, इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं आपके पर्सनल सवाल का जवाब नहीं भदौरिया जी जो कि हरा कुर्ते वाले, उनका समझ ही नहीं आता भाई, इनका सिस्टम हिला हुआ है क्या यार, ये मतलब मजाक लगा रखी है ना। जब भी ये डिबेट में इनको मैं देखता हूँ ना, कोई भी डिबेट उठा के देख लो, किसी भी चैनल पे उठा के देख लो, जिस भी डिबेट में ये लोग बैठते हैं, जिस भी डिबेट में ये बैठते हैं, उस डिबेट के अंदर ये अगले वाले को बोलने ही नहीं देते। पहले तो बोल देते हैं, फिर बाद में अगला जब बोलने लगता है बीच में कूद के अरे समझ में नहीं आता भाई, क्यों कर रहा है बिना मतलब का, मुद्दे पे बात हो रही है, मुद्दे पे बात, अगले को बोलने तो दे, अगले का पक्ष तो रखने दे, उससे पहले ही क्या है ये मजाक लगा रखो हरे कुर्ते वाले भदौरिया जी, ये क्या तरीका है यार तुम्हारा, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए भाई, डिबेट है, कोई गली नुक्कड़ की बहस नहीं हो रही जब बीच में कूद रहे हो वहाँ पर जाके, इसीलिए तो जनता तुम्हें वोट नहीं देती सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, इसीलिए आपको आपकी पार्टी को वोट नहीं मिलते, क्योंकि आपने कुछ किया है नहीं अभी तक, और आप भाषण देते हो इतने बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे, गरीबों के लिए जीतते हैं, ये करते वो करते, कुछ नहीं जीते सर आप गरीबों के लिए, मज़े लेते हो आप डिबेट में आके, अगली पार्टी को बोलने देते हो नहीं, बीच में चाहे 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 करते रहते हो, हमें समझ में आता नहीं है भाई बोलना क्या चाह रही है, अगली पार्टी की पक्ष तो रखने दो, अगली पार्टी क्या बोलना चाह रही है, क्या है उनकी सोच, क्या है उस मुद्दे पे उनकी राय, वो तो रखने दो अगले को, बीच में चैंचे करने से तो अच्छा है ना भाई, मतलब अनुराग भदौरिया थोड़ा समझ के लड़ना है आपको, हमें पता है, लेकिन पहले उसकी बात हो जान दो, अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लग रही, जब आपका फिर से टाइम आए, जब आप बोलिए, ताकि हमें डिबेट देखने में आनंद तो आए, हम लड़ाई देखने थोड़ी ना आते आपकी, यार मजाक लगा रखा है यार तुम लोगों ने यार। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।